हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पराग पाल और जैसे आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल आज हम लेने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और इसका एक मेरे पास एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको मैं एनालिसिस एंड डिजाइन बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक आईएस कोड हम यूज करने वाले हैं, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, ओके। और आईएस कोड इसके लिए जो यूज होगा होगा इंडियन स्टैंडर्ड 456:2000। ये आईएस कोड हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है पराग पाल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या है। इसके हम गिवन डाटा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा ऐसा है, डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ऑफ क्लियर स्पैन 5 मीटर। तो हमारे पास है क्लियर स्पैन जो कि है 5 मीटर का, ओके। उसके बाद 5 मीटर टू सपोर्ट अ वर्किंग लाई लोड, हमें दिया है वर्किंग लाई लोड में दिया है जो कि है 25 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। उसके बाद अभी हमें यूज करना है Fe 4 and 5 ग्रेड ऑफ स्टील हमें यूज करना है, ठीक, ओके। एंड M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमें यूज करना है, अगर आपको ये वीडियो दिख नहीं रहा है तो आप इसको सेटिंग्स में जो यहाँ पे ऐसे एक सेटिंग्स की बटन है, ऐसे सेटिंग्स का एक सर्कल है, वहां पे जाके आप वहां पे इसको 720p में करके देख सकते हो। ज्यादा आपकी MBB खर्च नहीं होगी, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, ओके। अगर आपको प्रॉपर वीडियो दिख नहीं रहा है तो, ठीक है, आप रिजोल्यूशन वहां से चेंज कर सकते हो ना अभी। और उन्होंने और एक चीज हमें बताई है जो कि फोर्थ नंबर पे है, वो है बोला कि सपोर्ट थिकनेस एज 200, मतलब वॉल की जो सपोर्ट थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस सपोर्ट, और हम सपोर्ट बोल देते हैं यहाँ पे सपोर्ट ऑफ 230 mm, ओके, ये वॉल सपोर्ट है, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे हम एक पहले बना के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ये आपका बीम है मान लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको सेम तरीके से हम इसको फिर से एक बना लेते हैं इधर, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये बीम होगा आपका, ठीक है, 230 mm का सपोर्ट के, मैं या फिर इसको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा, सॉरी, ओके। इस तरीके से आपका होगा बीम, ठीक है। इस बीम को इसके ऊपर क्या बोला है उन्होंने, इस बीम के ऊपर बोला है उन्होंने कि थोड़ा लोडिंग एक बना लेते, वर्किंग लाई लोड बोला है 25 किलो न्यूटन का, मतलब इसके ऊपर एक वर्किंग लाई लोड इसके ऊपर आने वाला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, ओके। इसमें ये जो स्टील यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है, और ये स्टीरअप्स बीच में, राइट, ठीक है। तो ये जो होना है, ये होने वाला है आपका Fe 4 and 5 स्टील, ठीक है, 4 and 5 स्टील होने वाला है। और
ये जो आपका कंक्रीट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो भी कंक्रीट है यहाँ पे, वो होगा आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये है आपका वॉल थिकनेस 230 का, एमएम का वॉल थिकनेस जो कि सपोर्ट वॉल है, एमएम सपोर्ट, दिस इज व्हाट वी कैन से सपोर्ट टू बीम। और ये जो है आपका यहाँ, ये जो है यहां से लेके इतना, ठीक है, ये आपका बीम है। हाँ, वो भी मुझे आप एक चीज बताइए, हमें गिवन क्या क्या दिया है, और ये 5 मीटर का स्पैन दिया है, क्लियर स्पैन दिया है, तो क्लियर स्पैन मतलब क्या, कहाँ से 5 मीटर का एक क्लियर स्पैन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके ठीक है, तो ये क्लियर स्पैन बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके नाउ देखो, आपको ना डेप्थ दी है ना इसकी विड्थ दी है, राइट। ये जो यहाँ से मैं ऐसा अगर इसको निकालूंगा बीम का, ठीक है, 3 डायमेंशन में अगर इसको निकालता हूँ मैं, हमारा बीम तो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, ओके बराबर ही नहीं। तो ये जो हमें क्या क्या हमें देखा जाए, तो कलर चेंज कर ले थोड़ा तो अच्छा लगेगा। चलो देखो, तो हमें डेप्थ नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमें डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है, बीम की डेप्थ निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसकी विड्थ निकालना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, विड्थ निकालना पड़ेगा हमें, वो भी नहीं है हमारे पास, ओके। उसके बाद इन स्टीरअप्स जो है, ठीक है, इन स्टीरअप्स के बीच का डिस्टेंस, स्टीरअप स्पेसिंग निकालना पड़ेगा, जो भी एस वी रहेगा दोनों के, इसका बीच का डिस्टेंस, साथ ही साथ उनका डायमेंशन ऑफ स्टीरअप्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओके, मतलब जिसको रेनफोर्समेंट बोलेंगे हम, स्टीरअप रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ये जो ऊपर का बार है, मेन बार, इसको एंकर बॉल बोलेंगे, ठीक है, एंकर बार स्पेसिंग एस वी, ठीक है, एंड उसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट डाया कितना है तो, और नंबर ऑफ ए एस टी निकालना पड़ेगा, ए एस टी, ठीक है, ओके, एंकर ए एस टी निकालना पड़ेगा। फिर ये नीचे का जो है, ये मेन बार है, ठीक है, मेन बार स्टील निकालना पड़ेगा, मतलब इतनी सारी चीजें आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है, एक डिजाइन होता है। डिजाइन का मीनिंग क्या होता है कि आपको लोड दिया रहता है, ठीक है, आपको बोला रहता है कि हम ये मटेरियल यूज करने वाले, आपको सपोर्ट दिया है इन्होंने, आपको क्लियर स्पैन दिया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी विड्थ निकालना है, डेप्थ निकालना है, फिर उसके चेक करना है कि वो परमिसिबल है कि नहीं, फिर परमिसिबिलिटी होने के बाद फिर जो लोड दी है, आपको एक चीज बता दूं, आई एस कोड 875, इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका यूज करके ही क्या होता है, हम लोडिंग को एस्टैब्लिश करते हैं, लोडिंग निकालते हैं कि इसके ऊपर एग्जैक्ट कितनी लोडिंग लगने वाली है। मान लो कि इसके ऊपर अभी जो भी लोड लगने वाले है, ठीक है, ये जो लोडिंग लगने वाली है, ये कितनी लोडिंग, अभी किसी भी बीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट लोडिंग तो लगती नहीं, अगर आप रखेंगे तो लगेगी, ठीक है, अभी ये है तो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग ही लगेगी, ठीक है, राइट, ओके नाउ, तो अभी सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये डिजाइन करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि आपको ये सारी, ये जो मैंने एलओ में लिखा है, ये सारी चीजें आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम स्टेप्स नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको गिवन डाटा बता दिया, ठीक है, आपको मेरा चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ओके, अगर नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिए, मेरा नाम पराग पाल है, ओके, PARAG पराग पाल, ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। चलो अभी हम स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाल तो दी है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द अवर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, फिक्सिंग अ डेप्थ ऑफ द सेक्शन, फिक्सिंग, सॉरी दिख नहीं रहा, राइट, फिक्सिंग अ डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ओके, व्हाट डज इट मीन्स कि ये जो मेरा सेक्शन है, मतलब बीम का एक मैं यहाँ पे सेक्शन अगर ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके इतनी हो जाएगी डेप्थ,
डी, ठीक है, और इसके पीछे राइट ये क्या हो जाएंगे इसके विड्थ, राइट, सो दिस इज व्हाट डब्ल्यू विड्थ वी कैन से, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ड्राइंग इतनी अच्छी खासी तो है नहीं फिलहाल, ओके राइट। सो तो हमें डेप्थ और विड्थ निकालना है, ओके तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हमारा डायमेंशन निकालने वाले कि किस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं, सबसे पहली स्टेप नंबर वो रहती है। मैं एकदम स्लो ले रहा वीडियो क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से आपको समझा के बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, स्टेप नंबर वन में टेकिंग एल बाई डी रेशियो हम करेंगे, ठीक है, टेकिंग एल बाय डी रेशियो, एल बाय डी इक्वल्स टू 20, ठीक है। सिंपली सपोर्ट ये अभी मैंने कहा से लिया, अगर आपको ये चीज पता करनी है तो आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आईएस कोड 456 2000 में जाना है आपको, और आपको वहां पे रेफर करना है क्लॉज नंबर 23.2.1 जो कि पेज नंबर 37 पे दी है, ठीक है। तो वहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, एल बाई डी रेशियो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वहां पे लिया, अगर एक कंटिलीवर रहता तो उसके लिए एल बाई डी रेशियो अलग है, एल बाई डी की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा से लिया, ये मैंने लिया सिंपली सपोर्टेड बीम आईएस कोड 456 2000 से, रेफर आपको 23.2.1 क्लॉज एक्ट को रेफर करना है और आपको पेज नंबर 37 आपको मिल जाएगा, ओके ना। उसके बाद तो अभी इसके हिसाब से ये जो मेरा डी है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा डी किस तरीके से बन जाएगा, इज नथिंग बट एल बाय 20, मतलब इस डी को मैंने उधर लिया, मुझे निकालना क्या है डी और विड्थ निकालना है, ठीक है। तो मैंने डी को उधर लिया, एल बाय 20 हो गया। अभी मेरा क्लियर स्पैन कितना है, माय क्लियर स्पैन ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, क्लियर स्पैन है मेरा 5 मीटर, राइट। तो ये मेरा हो जाएगा 5 बाय 20, ओके, सो इज नथिंग बट 0.25 मीटर, राइट, इज नथिंग बट 250 mm, मतलब आपकी बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ जो बोलेंगे, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ मैंने स्मॉल डी निकाला है, स्मॉल डी और कैपिटल डी में बहुत फर्क है, मतलब ये जो मान लो यहाँ पे आपका जो एक सेक्शन बीम का सेक्शन है, ठीक है, तो ये आपके रेनफोर्समेंट है, ओके मान लो, तो आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी जो है वो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके तो आपको सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ आपको मैंने बताया कितना है, तो ठीक है, तो ये जो स्मॉल डी निकला है, ये स्मॉल डी आपका ये है, सॉरी यहाँ से नहीं रहता, ये दिस इज फ्रॉम हियर, ओके हियर टू हियर, ओके सो तो ये हमारा स्मॉल डी निकला 250, ओके नाउ अभी हमको क्या निकालना है, अभी हम प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड क्लियर कवर ऑफ 25 mm टू द बीम, ओके, ऑफ क्लियर स्पैन 5 मीटर हैविंग 5 मीटर, सो द टोटल ओवरऑल डेप्थ इज नथिंग, कैपिटल डी इज नथिंग बट वॉट ओवर ऑल डेप्थ, राइट, सो द डी इज इक्वल टू मीन ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू, ये आपका आया स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर, क्लियर कवर मतलब कहां से, यहां से लेके यहां तक क्लियर कवर, ओके सो इज नथिंग बट 250 mm स्मॉल डी प्लस 25 mm, सो आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 275 mm, सो आपका जो ओवरऑल डेप्थ है वो आपका है 275 mm, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी जो विड्थ बनी है, ठीक है, वो आपकी, ओके तो इसके हिसाब से अभी हमने इसको 275 हमारा निकल गया, ओके ना। तो डायमेंशन ऑफ दिस सेक्शन, अभी हमने जो ये हमारा 275 लिया, तो हमने इसको इस डेप्थ को, मतलब ये हमारी ओवरऑल डेप्थ है, तो हमको स्मॉल हमने 250 लिया, ओके okay, और विड्थ की अगर हम विड्थ की बात करें, ओके okay, मतलब हम अगर मैं इसकी बी की बात करूं या फिर विड्थ, इसको हम विड्थ बोलेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमको सपोर्ट हमें मिला है वॉल का, ठीक है, ये हमारा जो बीम है,
ठीक है, ये हमारा जो बीम है इस बीम के ऊपर हमें, ठीक है, इस बीम को हमें 230 mm का एक सपोर्ट मिला है वॉल का, तो इट इज नथिंग बट व्हाट अवर बीम विड्थ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विड्थ 230 mm, मतलब हमारे पास अभी एग्जैक्ट डायमेंशन आ गए जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा. सो वी हैव द एग्जैक्ट डायमेंशन, ओके, सो कैपिटल डी इज इक्वल टू हमारे पास है 275 mm, स्मॉल डी इज इक्वल टू हमारे पास है 250 mm, ओके, एंड विड्थ जो है वो है हमारे पास 230 mm, मतलब हमारे बीम का जो साइज है वो है 275, और हम ऐसा बोलेंगे 275 नहीं बोलेंगे, हम स्मॉल बी इनटू डी बोलेंगे 250 by 230 mm, ओके, तो ये हमें मिल गया डायमेंशन. ओके नाउ, लेकिन अभी हमें ये जो हमने अभी निकाला, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी लैटरल स्टेबिलिटी और लैटरल बकलिंग हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारे स्टेप नंबर वन का एक हिस्सा है. क्योंकि जब तक अभी लैटरल स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, ठीक है, लैटरल स्टेबिलिटी मतलब मान लो कि आपका ये जो बीम है, ठीक है, लैटरली मतलब वाई डायरेक्शनली, ठीक है, स्टेबल है या नहीं है, ठीक है, उसकी बकलिंग, बकलिंग मतलब सारी चीजें आपको चेक करना होगा, तो बकल कितना होगा वो सारी चीजें आपको चेक करना पड़ता है. तो ये लैटरल स्टेबिलिटी और लैटरल बकलिंग भी आपको चेक करना पड़ेगा. तो अभी हम सबसे पहले वो चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आता है चेक फॉर लैटरल स्टेबिलिटी, ओके, और लैटरल बकलिंग. तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेफर करना है पेज नंबर 39, जिसमें क्लॉज है आपका 23.3 आईएस कोड 456/2000, ठीक है, इस आईएस कोड के हिसाब से, क्लॉज नंबर के हिसाब से आप चेक फॉर लैटरल स्टेबिलिटी और लैटरल बकलिंग आप वहां से कर सकते हो. सो उसके लिए आपको अलाउएबल जो आपकी लेंथ है, अलाउएबल जो आपकी लेंथ है इज नथिंग बट इसका एक फार्मूला है वो दिया है 16 into b, 16 into आपकी विड्थ, और एज पर आईएस कोड बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे खुद के नहीं है, और 250 का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, ओके, सो 250 बी स्क्वायर बाय डी, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर आप 16 into b ये फार्मूला यूज कर सकते हो. किसके लिए, आपको लैटरल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है. तो हम अभी 250 बी डी स्क्वायर ये यूज करेंगे, तो अलाउएबल एल अगर हम निकालना है, ठीक है, तो एल अगर मैं निकाल तो ये आएगा हमारा 250 बी स्क्वायर बाय डी, ठीक है, हमारे पास बी और डी की दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, बी एंड डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ इसके पास है, इज नथिंग बट यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी 529 00 mm, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इज नथिंग बट 52.9 meter आता है, ओके, एंड अलाउएबल लेंथ ये जो है लेसर ऑफ टू वैल्यू रहना चाहिए, मतलब ये एक हो गया, अभी दूसरा एल अलाउएबल एल निकालेंगे जो कि रहेगा 16 into b, और उससे मेरी वैल्यू आ रही है 13.8 meter. सो इनमें से जो अलाउएबल लेंथ है, ठीक है, ये लेसर दोनों वैल्यू में से लेसर हमें लेना है, ठीक है, सो अलाउएबल, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए, ठीक है, टेक लेसर ऑफ बोथ ऑफ देम, तो ये आएगी हमारी L इक्वल्स टू 13.8 meter, ठीक है. तो इस वैल्यू को लेके अभी हम करेंगे एक्चुअल 1 meter ऑफ बीम हमारा जो है वो एक्चुअल द लेंथ ऑफ बीम इज व्हाट 5 meter है, ठीक है, ये हमारा जो है ये लेस देन है इस L वैल्यू से, ठीक है, 13.8 से हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम है, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर एक्चुअल लेंथ ऑफ बीम, बीम
बट इस फार ये अलाउबल लेंथ के हिसाब से क्या बोलता है, उसकी जो अलाउबल लेंथ है वो 13.8 मीटर रहना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारा जो डायमेंशन जो हमने निकाले है वो हमारा डायमेंशन है सेम। इसका मीनिंग आपका जो बीम का आपने जो डायमेंशन निकाले है वो आपके प्रॉपर डायमेंशन, ठीक है। हेंस ओके, अभी हम आगे जाएंगे, समझ में। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिया, उसके बाद मैंने डायमेंशन निकाला, डायमेंशन निकालने के बाद मैंने उस डायमेंशन को पहले चेक किया एज पर दिस आईएस कोड के क्लॉज के हिसाब से, क्लॉज नंबर 23.3 पेज नंबर 39 के हिसाब से, कि मेरी जो लेंथ है बीम की, ठीक है, वो लेंथ अलाउबल लेंथ से कम है क्या। अगर आपकी एक्चुअल लेंथ मतलब बीम की जो लेंथ है अगर अलाउबल लेंथ से कम होती है देन आप क्या कर सकते हो, तो क्या होगा, तो आपका जो बीम है वो एक्सेप्ट होगा। अगर ये 5, अगर ये मान लो इन दोनों में से अगर ये जो लेंथ है ये मान लो 5 अगर ज्यादा रहती और इधर 4 आती, इसका मीनिंग क्या होता, आपको डायमेंशन चेंज करने पड़ते। ओके, इसका मीनिंग आपका बीम लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इसके मीनिंग के हिसाब से लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ओके ना, अभी हम स्टेप नंबर 2 के तरफ जाएंगे जहां पे हम इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे, ठीक है। तो अभी स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आए, अभी हम स्टेप नंबर 2 के तरफ जाएंगे, इससे हम निकालेंगे इफेक्टिव स्पैन। ओके, इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। अभी इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए आपको सबसे पहले आईएस कोड बता देता हूं मैं, आपको रेफर करना है, ठीक है, रेफर क्लास नंबर 22.2 पेज नंबर 34 आपको रेफर करना है, ठीक है, वहां से आपको ये पूरा मिल जाएगा आईएस कोड 4x6 2000। ओके नाउ, तो अभी इफेक्टिव स्पैन निकालते कैसे, सबसे मेन बात ये है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं बताता हूं। इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल्स टू एल ई से डिनोट करते हैं एज पर आईएस कोड। इसका फार्मूला ये है, क्लियर का आपका जो स्पैन है, आपका जो क्लियर स्पैन है प्लस आपकी डेप्थ। ओके, ये आपका हो गया फार्मूला। ओके, ठीक है, तो एली इफेक्टिव स्पैन मतलब हो जाएगा, ये फार्मूला इससे डिनोट करता है आईएस 4562000। इसका फार्मूला है क्लियर स्पैन प्लस डी, ठीक है। और इसका दूसरा फार्मूला ऐसा है, एल इक्वल्स टू क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ सपोर्ट थिकनेस प्लस हाफ ऑफ सपोर्ट थिकनेस। ओके, तो ये दो फार्मूले, ठीक है। और इसमें से जो भी लेसर रहेगा, द लेसर वैल्यू ऑफ अमंग बोथ, ठीक है, मींस बोथ टेक एज इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव स्पैन। ओके, समझ में। इन दोनों में से मतलब इन दोनों फार्मूले में से जो भी इफेक्टिव स्पैन की लेस वैल्यू निकलेगी, ठीक है, उस फार्मूले को उस वो हमारी इफेक्टिव स्पैन रहेगा, ठीक है ना। अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट इससे निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इससे निकालते हैं, एल इक्वल्स टू हमारा क्लियर स्पैन है 5 मीटर मतलब 5000 mm प्लस डेप्थ जो हमारी थी वो थी हमारी 250 mm, ठीक है। तो ये है आपका 5250 mm। ओके, ये क्या है, दूसरा जो है एल ई वो निकलेगा आपका क्लियर स्पैन जो है 5000 mm प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट थिकनेस आपकी कितनी थी 230। ओके, प्लस हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय 230 मतलब जो ये जो आपका बीम था, ठीक है, इसमें जो ये जो सपोर्ट दिया था, ठीक है, जो सपोर्ट है दोनों साइड का,
ठीक है, उसका 230 मतलब इनडायरेक्टली आपको एक ही साइड का 230 ऐड करना है, तो इसका पूरी वैल्यू आ रही है हमारी 5230 mm। ठीक है, तो देखो देखा जाए तो दोनों में से कम वैल्यू हमें लेना है, उसके हम क्या बोलेंगे इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। तो ये 5250 है और ये 5230 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना आएगा 5230 आएगा। ओके, सो अभी इसका मीनिंग हो गया कि आपका यहां से लेके इधर तक सेंटर टू सेंटर, मतलब इसके सेंटर का डिस्टेंस से लेके इसके सेंटर के डिस्टेंस तक जो आपका डिस्टेंस है वो है आपका 5230 mm, जो कि आपको बुलाएगा इफेक्टिव स्पैन। ओके, इफेक्टिव स्पैन जिसको हम एल ई बोलेंगे ऑफ बी। ठीक है, ओके, डन में है ना। अभी हमको इफेक्टिव स्पैन भी मिल गया सेंटर टू सेंटर, मतलब इस सपोर्ट के सेंटर से इसके सपोर्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आया हमारा 5230 mm। सो हमने इसको बोल दिया एल ई। ओके, तो हमें एल ई मिल गया 5230। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल इक्वल्स टू इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल्स टू 5230 mm। ओके, नाउ अभी हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 के तरफ, जो कि हमारी लोड कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो अभी हम स्टेप नंबर 3 में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लोड। ठीक है, अभी जैसे आपको बता लाइव लोड आपको दिया था, जैसे आपका बीम है, ठीक है, ये आपके दो सपोर्ट हैं, ठीक है, अभी इस तरीके से हम देखेंगे और इसके ऊपर एक लोड आपको दिया है। ठीक है, तो W जो है किलो न्यूटन पर मीटर हमें निकालना है। ठीक है, फैक्टर लोड हमें निकालना है एक्चुअली। ठीक है, अभी फैक्टर लोड और वर्किंग लोड का डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वर्किंग लोड मतलब वो लोड होता है, वर्किंग लोड आपका वो लोड होता है जो अभी के प्रेजेंट टाइम में आपके पास अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल लेबल एट प्रेजेंट टाइम। मतलब मान लो कि इसके ऊपर, इस बीम के ऊपर अभी ये जो वर्किंग लोड है उतना लोड अभी आने वाला है, मतलब उतना है लोड। लेकिन फैक्टर लोड का मीनिंग क्या होता है, is nothing but 1.5 multiplied by working load। इसका मीनिंग ये है कि ये जो अभी लोड आने वाला जो प्रेजेंट लोड जो है, ठीक है, इसके डेढ़ पट लोड बढ़ा दो, ताकि अगर फ्यूचर में अगर मोर लोड अगर बढ़ गया तो ये बीम उस लोड को अपोजिट, मतलब उस लोड को सस्टेन कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टर लोड। ठीक है, मतलब वर्किंग लोड मतलब प्रेजेंट का लोड। ठीक है, मतलब अभी इतना लोड तो पड़ने वाला है, लेकिन फैक्टर लोड का मीनिंग क्या है कि अगर फ्यूचर में अगर मैंने उसके ऊपर और एक बिल्डिंग बना दी तो उतना लोड उसने लेना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं वर्किंग लोड का डेढ़ गुना बढ़ा देते हैं और उस लोड के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, ताकि अगर कोई आगे जाके अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करता है तो उतना लोड वो सेटिस्फाई मतलब कैरी कर सके। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है वर्किंग लोड एंड फैक्टर लोड का। ओके, तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कंसीडर द लेंथ ऑफ द बीम। ओके, तो डेड लोड पहले निकालेंगे, डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हमको तो पता है बीओडी पता है, बी है आपका 230, डेप्थ है आपका बी है 230 और डेप्थ है आपका 250, राइट। हाँ, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था कितना है 250 और 230 ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ओके, सो अभी हमारा डेड लोड निकालना है, तो डेड लोड कैसा निकलेगा 0.23, मतलब जो भी इसका मतलब ये जो है सेक्शन का, ठीक है, डेप्थ है 230 mm, ठीक है, और ये है आपका 250 by
230, ठीक है। सो अभी हम डेड लोड निकालेंगे, तो 230 मतलब इधर का लोड मल्टीप्लाई बाय 0.275 ओवरऑल लोड, मतलब ये वाला, ये 250 हमने क्या लिया, स्मॉल डी लिया है, लेकिन हम इसमें क्या ले रहे हैं, कैपिटल डी, मतलब ये हमारा हो गया बी, ओके ये हमारा हो गया बी, ठीक है, ये हमारा हो गया डी, ओके देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया, चलो इसको स्मॉल ले, ओके वेट, दिस इज व्हाट योर बी, दिस इज व्हाट योर डी, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, एक लेंथ, ये जो लेंथ है ये हमने कंसीडर की है, ठीक है, कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द बीम एज अ यूनिटी, सो यह एज अ यूनिटी है, ओके यूनिटी मतलब वन, मतलब 1 मीटर के लिए हम निकालेंगे, उसके बाद जितना भी निकलेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके तो 1 मीटर के लिए हमारा जो निकला है, ठीक है, 1 मीटर के लिए जो हमारा निकला है, ठीक है, 1 मीटर के लिए निकालेंगे मल्टीप्लाई में जो डेंसिटी है कॉन्क्रीट की 25 kN/m³, ये तो इसका यूज करके हमारा जो डेड लोड निकला है वो आया आपका 1.58 kN/m. सो आपके पास डेड लोड आया है इस बीम का, डेड लोड इक्वल्स टू 1.58 kN/m, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, ये मेरा बीम था, ठीक है, मेरी ओवरऑल डेप्थ ली मैंने, ठीक है, मैंने मेरी बी ली, ओके ठीक है, और मैंने ये जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को मैंने 1 मीटर कंसीडर किया, 1 मीटर के लिए निकाला और 25 डेंसिटी, ओके तो उसके हिसाब से जो मेरा डेड लोड इसके ऊपर जो लगने वाला है, ठीक है, वो मेरा डेड लोड है जो आया 1.58 kN/m, मतलब 1 मीटर के ऊपर 1.58 kN, इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका लगने वाला है, ओके ना। उसके बाद अभी हमें लाइव लोड निकालना है, ओके लाइव लोड जो हम निकालेंगे वो है, एक्चुअली ये लाइव लोड हमको दिया है वर्किंग लोड, जो न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में गिवन डाटा में मैंने लिखा था वो था आपका 25 kN/m, ओके ये हो गया। सो अभी मेरा टोटल वर्किंग लोड कितना होगा फिर, तो मुझे अभी टोटल वर्किंग लोड निकालना है, जो थर्ड नंबर में निकालूंगा मैं टोटल वर्किंग लोड जो मेरा निकलने वाला है इज नथिंग बट जिसको मैं W बोलूंगा फिलहाल, बट W इज इक्वल टू 1.58 प्लस 25, ओके सो ये जो आया दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे तो ये 26.58 आएगा kN पर मीटर, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर है, तो किलो न्यूटन पर मीटर एडिशन कर, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे निकालना है फैक्टर्ड लोड, ठीक है, सो मेरा जो फैक्टर्ड लोड में जो निकालूंगा वो आएगा W, U से हम डिनोट करते हैं फैक्टर्ड लोड को, जो कि आएगा आपका 26.58 × 1.5 इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ये आएगा आपका 39.87 kN/m। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो आया 39.8 आया तो हम इसको बोलेंगे, अभी हम राउंड अप करेंगे 40 kN/m के हिसाब से, अभी 39.8 और 40 में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, इसलिए हमारा जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर लोड जो हम यूज करने वाले, जिसका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, वो हम यूज करेंगे 40 kN, ओके पर मीटर, तो ये हो गया हमारा फैक्टर्ड लोड, ठीक है ना। उसके बाद अभी हमें फैक्टर्ड मूवमेंट निकालना है और फैक्टर्ड शेयर निकालना है, ठीक है, तो फैक्टर्ड मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां पे हम निकालेंगे फैक्टर्ड मूवमेंट, ठीक है, जो कि है आपका MU,
ठीक है, फैक्टर्ड मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला है W U L E स्क्वायर बाय 8। अभी ये W L स्क्वायर बाय 8 ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, W की जगह फैक्टर्ड बेंडिंग फैक्टर्ड लोड यूज करेंगे, इफ L की जगह हम इफेक्टिव लेंथ यूज करेंगे। अगर दिख नहीं रहा तो अच्छी तरीके से आपको लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 8, ये जो फैक्टर है। तो इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। लेकिन ये कैसा है, अभी हम फैक्टर्ड लोड यूज कर रहे हैं इसलिए हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग फैक्टर्ड मोमेंट निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये अभी हमारा लोड आया 40 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव लेंथ है हमारी 5.23 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू, ये हमें आंसर मिलेगा 136.76 किलो न्यूटन इनटू मीटर, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर्ड मूवमेंट है। तो ये हमारा आ गया फैक्टर्ड मूवमेंट है मूवमेंट एम यू, मिल गया। अभी उसके बाद हम निकालेंगे फैक्टर्ड शेयर, ठीक है। फैक्टर्ड शेयर जो कि आपका रहेगा, आपको क्या करना है, जो आपका भी जो ये रहा है सेम फार्मूला है, चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ स्क्वायर को हटाना है। जो आपका लोड ही है मतलब फैक्टर्ड लोड मल्टीप्लाई बाय आपकी इफेक्टिव लेंथ 5.23 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको मिल जाएगा फैक्टर्ड शेयर जो जो कि आएगा आपका 104.6 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका फार्मूला ऐसा है, फैक्टर्ड लोड मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, फैक्टर्ड शेयर, ठीक है। तो आपको अभी तक हमने फैक्टर्ड शेयर और फैक्टर्ड मूवमेंट तक देखा, तो ये तक यहाँ तक हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चेक फॉर डेप्थ करेंगे बेस्ड ऑन फ्लेक्सर एंड बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन के, मतलब हमने जो डेप्थ निकाली है उसकी चेक करेंगे वो कितनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम देख चेक करेंगे कि हमें एग्जैक्ट डेप्थ जो है वो हमें कितनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट कैलकुलेशन वहां करेगा। तो स्टेप नंबर 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं, स्टेप नंबर 4 जिसमें हम निकालेंगे चेक फॉर डेप्थ ऑन फ्लेक्चर और बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन और मोमेंट कंसिडरेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि सेक्शन ये नियर बाय बैलेंस है हमारा। बैलेंस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो कि आपका जो ये सेक्शन का मीनिंग, बैलेंस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, सेंटर में, ठीक है। मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है आपकी एक्स जो है वो क्या, सेंटर में, ओके। ऐसा इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट द सेक्शन इज नियर बाय बैलेंस, ओके। अज्यूम दैट आवर सेक्शन इज बैलेंस, ओके। सो अगर ये बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग आपका जो फैक्टर्ड मूवमेंट है इज इक्वल टू हम लिमिटिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपको कॉलेज में MU इक्वल टू MU लिमिटिंग रिलेशन देते हैं। ये क्यों देते हैं, क्योंकि हमें अज्यूम करना पड़ता है। अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स है इसका मीनिंग क्या हो गया, उसमें बहुत स्टील हो गया है। अंडर रेनफोर्स का मीनिंग क्या हो गया, कम स्टील हो गया। लेकिन कभी भी आपका सेक्शन बैलेंस रहता नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स भी नहीं हो सकता है, आपका रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स भी नहीं हो सकता है, लेकिन बैलेंस सेक्शन से समवॉट आगे पीछे हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे सेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए, हमारे जो डेप्थ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकाला है उसको हम कंपेयर करते हैं कि हमें कितने लिमिट तक, मतलब हमारी लिमिट क्या है बेंडिंग मोमेंट की। मतलब मान लो मेरी लिमिट है बेंडिंग मोमेंट की, मुझे यहाँ तक इतना बेंडिंग, मतलब मान लो ये आपका बीम है, ठीक है, और ये इतना डिफ्लेक्ट होने वाला है,
तो इसका ये जो है ये लिमिटिंग हो गया, मतलब ये इसकी लिमिट होगी। मतलब मान लो कि मैं एक दुकान में गया, मैंने एक दिन में मैं 10 TP किया, तो ये मेरी क्या हो गई, लिमिट हो गई, ठीक है। लेकिन मैं और कितना पी सकता हूँ, ये मेरी होगी एमयू लिमिटिंग। 10 पी सकता हूँ, ये मेरा हो गया लिमिटिंग। एमयू मतलब क्या हो गया, मैं और कितना पी सकता हूँ, ये मुझे नहीं कहा, समझ में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये जो सेक्शन है इसको हमने बेंडिंग मोमेंट फैक्टर, बेंडिंग मोमेंट जो हमने निकाला है यहाँ पे जो हमने निकाला फैक्टर मूवमेंट MU 136, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर मूवमेंट के साथ हम डेप्थ चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो जो वैल्यू आई है यहाँ पे MU इक्वल्स टू MU लिमिटिंग, तो अगर मान लो अभी मैंने बोला MU इक्वल्स टू MU लिमिटिंग, मतलब MU लिमिटिंग की वैल्यू भी कितनी होगी, 136.76 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 136.76, सिर्फ अज्यूम किया किलो न्यूटन इंटू मीटर, मैंने अज्यूम किया, मैंने जो फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे निकाला है उसको ही मैंने लिमिटिंग फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट बोला, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने कि हमारा ये दोनों की वैल्यू एक ही है, अज्यूम किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एनेक्शर जी के हिसाब से आईएस कोड 456 2000, एनेक्शर जी जो एकदम पीछे दिया है, ठीक है, 456 2000 के हिसाब से जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला है MU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.36 XU मैक्स बाय D इन ब्रैकेट 1 - 0.42 XU max by D B D square into FCK। ये फार्मूला आपको एनेक्शर जी एस 456 2000 के एनेक्शर जी में आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और आप बोलेंगे एग्जाम में ध्यान कैसे रखना है, देखो एग्जाम में आपको आईएस कोड 456 ऑलो करते हैं लेके जाने के लिए, तो आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके साथ ही रहती है, इसे आपको पता नहीं रहता है कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास सारी चीजें है यहाँ पे, हम सिर्फ इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी एक्स्यू मैक्स है, ठीक है, तो सॉरी एमयू लिमिटिंग है, कितना है 136.76। अभी हम इसको ये मीटर में, तो मैं इसको एमएम में लाना चाहता हूँ, न्यूटन में लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 10^6 कर दूंगा, ठीक है। किलो न्यूटन का अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 10^6 करेंगे, ओके। नाउ 0.36 ओके, एक्स यू मैक्स बाय डी, इसकी वैल्यू है 0.48, ठीक है, वही पे दिया है, एक्स यू मैक्स बाय डी की वैल्यू है 0.48, ओके। देन इन ब्रैकेट 1 - 0.42 इंटू 0.48, बी की वैल्यू आपके पास है 230, हमारे पास डी की वैल्यू, लेकिन इसको रखना नहीं है, हमको यहाँ पे चेक करना है। तो ये डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय FCK 20, हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से M20, क्योंकि हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो ये 20 होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये हमने FCK यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करने का ये जो आपको डी मिलता है, तो इस डी की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है 464.21 mm, ठीक है। अज्यूम डेप्थ, अभी हम क्या करते हैं, अज्यूम करेंगे डेप्थ इज लेस देन द रिक्वायर्ड डेप्थ, ठीक है। हमारी जो डेप्थ है ये लेस देन है डेप्थ ऑफ, बिकॉज हमने जो डेप्थ निकाली, ठीक है, हमने क्या डेप्थ निकाली, 250 डेप्थ निकाली, और हमें रिक्वायर्ड डेप्थ कितने 464 आई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अज्यूम डेप्थ इज लेस देन रिक्वायर्ड डेप्थ 464, हेंस रिवाइज द डिजाइन पैरामीटर। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारे जो जो फैक्टर है इनको क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, मतलब ये जो हमारा डी आया इतना हमें चाहिए, लेकिन हमने हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आया था, 250 mm आया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड डेप्थ इज
मोर देन कैलकुलेटेड डेप्थ डेप्थ सो रिवाइज द डिजाइन। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको फिर से हमें डेप्थ 500 लेना पड़ेगा। अभी हमको पता चल गया कि भाई 464 डेप्थ हमें चाहिए, तो हम एकदम पीछे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लोड चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ लोडिंग को चेंज करेंगे, और लोडिंग को चेंज करने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये जो इसके आगे का जो कैलकुलेशन का डाटा है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट टू में बताऊंगा, ये पार्ट वन था। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब, मेरे चैनल का नाम है पराग पाल। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और पार्ट टू जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको पूरा आउटपुट दे दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।